अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रज़ा अली और आप देख रहे हैं रज़ा अली फैंस यूट्यूब चैनल। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो जो है ये हॉस्टल पे बना रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड आए थे वहाँ पर, वो रुके थे, तो मैंने उसकी वीडियो जो है ना वो बनाई। वो आपको मैं शेयर भी करूँगा, दिखाऊँगा भी कैसा हॉस्टल है, और बहुत ही बेस्ट प्राइस है उसकी, बहुत चीप प्राइस है। तो इतने में मेरे ख्याल से आपको शायद ही कहीं मिले हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल देखेंगे और प्राइस देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मुनासिब प्राइस है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा, ये जो हॉस्टल है ये सुल्तान अहमद के एरिया में है, ब्लू मॉस्क और आया सूफिया के बिल्कुल करीब है। छत से आपको उन दोनों के मंजर जो है वो नज़र आते हैं, आपको समुंदर भी नज़र आता है, एशियन साइड भी नज़र आती है। इतना ज़बरदस्त जो है ना वो हॉस्टल है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब, आपको हॉस्टल का टूर करवा देते हैं, फिर आके आपसे मिलते हैं। एक हाथ से भी कर दोगे चलेगा। अनिल भाई हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, तो ये भाई के लिए जो कर रहे हैं मैंने कहा एक हाथ से कर दे चलेगा। अच्छा जी, तो ये है जी हॉस्टल, ये इसका बाहर का व्यू है, साथ इसके जो है ना पब है, और आसपास इसके जो है ना और भी रेस्टोरेंट भी हैं, और आपको जो है ना सुपरमार्केट भी मिल जाती है पास ही। अगर आप वहाँ से कुछ लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको ये दिखा देते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं जी ऊपर वाले फ्लोर पे, हॉस्टल जो कि वो ऊपर है, तो ये पब भी इन्हीं का ही है। ये इनका सीटिंग एरिया है और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। अच्छा जी, तो ये है जी, अभी खाना खाया था तो वो वेटर आया सामान लेने के लिए। तो ये है जी, सामने दो बेड लगे हुए हैं। ठीक है, बंक बेड इसको बोलते हैं, जैसे दुबई में चलते हैं। ठीक है, सिंगल भी लगे हुए हैं, और इस तरफ जो है ना वॉशरूम है, ये साथ ही ड्रायर लगी है, और सामने शावर है। और आपको जो है ना ऊपर से भी दिखा देते हैं ज़रा, रात का टाइम है तो ऊपर तो लाइट वगैरह तो होगी नहीं। ठीक है जी, तो एक कोने पे जो है ना टेबल पड़ा हुआ है और चेयर पड़ी है दो तीन, और ऊपर से आपको नीचे का व्यू भी दिखाएंगे, बहुत कमाल का व्यू है। इस साइड पे जो है ना वो है समंदर है। ठीक है, इस साइड पे ब्लू मॉस्क है, और ये राइट साइड पर जो है ना आया सूफिया है। दिन के टाइम जो है ना वो वाजिया नज़र आती हैं, और भाई साहब यहाँ पर बैठकर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं जी। अच्छा जी, ये जी ये स्ट्रीट का व्यू ऊपर से, और सामने भी होटल हैं। ये जो इसके आसपास जो होटल है ना वो मैं आपको बता दूँ, वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि अली भाई अभी तक प्राइस क्यों नहीं बताई आपने। तो जनाब इसका जो वन नाइट का जो था ना वो 45 से 50 लीरा तकरीबन जो है ना, वो भी ना डेज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। व्यूवर्स, तो आपने हॉस्टल का टूर किया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये टूर, कि इतना चीप प्राइस में आपको हॉस्टल, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से शायद ही कहीं मिले। इससे जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव था, और थोड़ा दूर भी था, यानी कि एक्सपेंसिव तो नहीं इतना कह सकते, 20-30 लीरे का ही तुर्किश लीरे का फ़र्क था। तो इस पे मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप ट्राम पे उतरते हैं ब्लू मॉस्क वाले स्टेशन पे, सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क के स्टेशन पे आप उतरते हैं, तो 5 से 7 मिनट की जो है ना वॉक में आपको जो है ना स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा आपको हॉस्टल शायद ही कहीं मिले, इतना करीब और आपके, यानी कि एक टूरिस्ट प्लेस है ये, आप देखें टूरिस्ट प्लेस है। आप समंदर पे जाना चाहें इजीली जा सकते हैं, ब्लू मॉस्क जा सकते हैं, आया सूफिया तोप का भी म्यूज़ियम है, एमिनोनो आप पैदल वॉक पे जा सकते हैं। ठीक है जी, और ग्रैंड बाज़ार भी अगर आपने जाना हो तो 15 मिनट की वॉक होगी। ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माल जान औलाद इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।